हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं प्लेन पास्ता। तो उसके लिए पास्ता को उबाल लिए हैं और यहाँ टमाटर, एक टमाटर काट लिए हैं, दो छोटा छोटा प्याज काट लिए हैं और 8-10 लहसुन की कली। और इधर कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल भी गर्म हो गया है, अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल दे रहे हैं। अब कुछ देर के बाद हम कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं। इसको ज्यादा देर हम प्याज को नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देंगे। अब प्याज का कच्चापन दूर हो गया है, इतने ही पकाएंगे इसको। अब इसके बाद हम डाल दे रहे हैं कटा हुआ टमाटर। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, एक से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम डाल दे रहे हैं मिक्स मसाला। अब इसको हम भून लेंगे। इसके बाद हम डाल दे रहे हैं पास्ता, उबाला हुआ पास्ता। अब इसको हम भून भी दे देंगे। ऊपर से अब डाल दे रहे हैं पास्ता मसाला। ये डालने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। अब इसको हम भूनेंगे। इसके बाद हम डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही चटपटा पास्ता बनके तैयार हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है।